नमस्कार दोस्तों, लर्न पावनम संस्कृतम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की सूक्ति है अस्थिरे धन यौवने। धन और यौवन, यौवन मीन्स युवावस्था, जवानी। धन, ये कभी भी अस्थिरे, स्थिर नहीं होते हैं, ये चलायमान होते हैं, कभी भी स्थायी नहीं होते हैं। इसलिए धन का हमेशा सदुपयोग करना चाहिए और युवावस्था रहते हुए विद्या प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। तो आइए साथियों, हम जानते हैं इसके भावार्थ के विषय में। भावार्थ क्या है? भावार्थ है कि धन और यौवन अस्थिर होते हैं। अस्थिर का मतलब ये स्थायी नहीं होते हैं, स्थायी नहीं होते हैं, चंचलता होती है इनमें, एक स्थान पर रुकने वाले नहीं होते हैं। जैसे युवावस्था है, तो युवावस्था के बाद में वृद्धावस्था आती है, एक सा जीवन नहीं होता है। फिर आगे देखिए, अतः धन और यौवन से लगाव नहीं रखना चाहिए, पहली बात। दूसरा, क्योंकि जो हमेशा नहीं रहने वाला है उसके प्रति लगाव नहीं रखना चाहिए, क्योंकि धन के विषय में बताया है कि चंचल है। और पहले बालावस्था, फिर किशोरावस्था, फिर युवावस्था, फिर वृद्धावस्था, कहने वाला परिवर्तनशील जीवन होता है, तो उसके प्रति लगाव नहीं रखना चाहिए। लगाव रखने पर तो दुख ही मिलता है। धन और यौवन के रहते हुए इनका सदुपयोग करना चाहिए, हमेशा इनका सदुपयोग करना चाहिए। तो विद्वान साथियों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।